डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स पार्ट 18 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा इटली। यानी हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट। यानी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम ICCF20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया टीम ICCF20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया? इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश रेड्डी। यानी हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है? इसका आंसर होगा रूस। यानी हाल ही में रूस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड की बिक्री व विज्ञापन पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर होगा 150 मीटर। यानी कि FSSAI ने स्कूल परिसरों के 150 मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड की बिक्री व विज्ञापन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? इसका आंसर होगा इजराइल और अमेरिका। यानी भारत अमेरिका और इजराइल देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और कल्याण किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 वाहन समूहों को लॉन्च किया? इसका आंसर होगा 9। यानी केंद्रीय कृषि और कल्याण किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 के राज्यों में 22 वाहन समूहों को लॉन्च किया है। पत्रिका द्वार का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा जयपुर। यानी हाल ही में पत्रिका द्वार का शुभारंभ जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मित्र चैट बोर्ड किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा हरियाणा। यानी आपका मित्र चैट बोर्ड हरियाणा राज्य के सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई? इसका आंसर होगा अनंतपुर से दिल्ली। यानी दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली दो शहरों के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डेविड एटनबरो। यानी वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? इसका आंसर होगा 9 सितंबर। यानी शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा जयपुर। यानी 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा अनिल जैन। यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, PM मोदी जी ने संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक दो पुस्तकों का विमोचन किया, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा गुलाब कोठारी। यानी PM मोदी जी ने संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक दो पुस्तकों का विमोचन किया है, इन दो पुस्तकों के लेखक हैं गुलाब कोठारी।